आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सभी राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक आज पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अपने इतिहास को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। दूरदर्शन दिखाएगा स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। तमिलनाडु में एनआईए की रेड, श्रीलंकाई ड्रग और हथियार तस्कर के पाक कनेक्शन का खुलासा। उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दौरान ना हो गलती, बीजेपी ने दी एनडीए सांसदों को ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल का भी आयोजन। रेसलिंग में दिखा भारत का दम, 3 गोल सहित भारत ने जीते 8 मेडल्स। नजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए दिन को शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा और शाम तक चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, वहीं विपक्ष ने कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि जगदीप धनखड़ 71 वर्ष के हैं और वो राजस्थान के प्रभावशाली जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पृष्ठभूमि समाजवादी पार्टी रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने से पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। वहीं अगर मार्गरेट अल्वा की बात करी जाए तो वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और वो राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुकी है। तो आज उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग जारी है, जिसको लेकर अब मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और सभी नेता, सभी MLA, सभी MLC अब उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। जगदीप धनखड़ और अल्वा मार्गरेट के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ का पलड़ा भारी है। एनडीए उम्मीदवार है जगदीप धनखड़। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग जारी है और देखने को मिल रही है, इस दौरान कौन से पार्टी का प्रत्याशी है जिसका पलड़ा ज्यादा भारी है? जी प्रवीण। जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान, आपको बता दूं इस समय पर वोटिंग चालू हो चुकी है, जहां पर सांसदों को, एक तरीके से भाजपा सांसदों को सभी को एक दिन पहले ही बुलाकर उनको सब सारे पहलुओं को समझाया गया और साथ ही ये भी बताया गया कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, कैसे होने हैं और किस तरह से मतदान करने हैं। अगर बात की जाए कि इस समय पलड़े की, तो पलड़ा इस समय एनडीए का भारी है, क्योंकि एनडीए का इसलिए भी कह सकते हैं, जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं और काफी चर्चाओं में रहे हैं, क्योंकि टीएमसी से लगातार उनकी नोकझोंक रहती होती रही है और खासतौर पर अगर एनडीए उम्मीदवार है इसलिए भी दावेदारी वो इनकी मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो मार्गिन अल्वा है, खासतौर पे उनके पास 203 से लगभग सांसद हैं जो कि उनको सपोर्ट करेंगे और बात की जाए तो 530 के लगभग जो कि एनडीए के सांसद हैं जो कि उनको सपोर्ट करेंगे। बस महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि टीएमसी ने लगभग, टीएमसी के जितने भी सांसद हैं उन्होंने बायकॉट कर दिया है। इस बार वो जो भी मतदान है उपराष्ट्रपति के मतदान नहीं करें, तो कहीं ना कहीं इससे पूरा फायदा एनडीए को होने जा रहा है। जी जी प्रवीण, जैसे कि जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आए थे तो उसमें क्रॉस वोटिंग की भी खबरें निकल के सामने आई थी, तो क्या लगता है कि इस उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग होगी या फिर लोग थोड़ा बचते हुए नजर आएंगे क्रॉस वोटिंग से? जी बिल्कुल, देखिए क्रॉस वोटिंग राष्ट्रपति चुनाव के अंदर में हुई थी, जहां पर कांग्रेस के ही जो सांसद थे उन्होंने वोटिंग की थी, क्रॉस वोटिंग हुई थी कहीं ना कहीं, तो इस बार भी चांसेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये गुप्त मतदान होते हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें कौन आदमी किसके पक्ष में डालेगा, क्योंकि जहां तक बात की जाए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो हैं इस समय पर देश की राष्ट्रपति हैं, उनके लिए मार्गिन अल्वा ने खुद उनको सपोर्ट किया था कि अगर मैं मतदान करने लायक होती तो मैं खुद उनको वोट। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर यह कहा जाए कि दोनों ही जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन धनखड़ का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। धन्यवाद प्रवीण मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज उपराष्ट्रपति चुनाव की जंग जारी है, जिसको लेकर तमाम पार्टी के दिग्गज नेता अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।
साथ ही आपको यह भी बताते चले कि आज शाम को इसके नतीजे भी घोषित हो जाएंगे और ये भी साफ हो जाएगा कि जगदीप धनखड़, मार्गरेट अल्वा, इन दोनों में से कौन पसंद बनकर उभरा है और कौन अगला देश का उपराष्ट्रपति होगा और कौन उस पद पर काबिज होगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रतिभाग भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में इस बैठक का आयोजन होना है, जहां आज एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो उसी बीच दिल्ली में तमाम कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे, जिसमें राष्ट्रपति कार्य समिति की आज एक बैठक भी होनी है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इसके साथ ही नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आज सातवीं बैठक होनी है जिसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में इस बैठक का आयोजन होना है जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अगर देखा जाए तो आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, देश की राजधानी पहुंच रहे हैं, तो तकरीबन कितने बजे का समय निर्धारित किया गया है जब वो दिल्ली पहुंचेंगे? जी देखिए, आपको बता दूं कि इस समय पर वोटिंग चल रही है उपराष्ट्रपति चुनाव की और वहीं पर आज सभी मुख्यमंत्रियों को, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा बताया गया है कि सभी को दिल्ली पहुंचना है, तो जहां पर जो बैठकों का दौर है लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली है कि अपने योगी आदित्यनाथ जो कि लखनऊ से रवाना हो चुके हैं और जो हिंडन एयरवेज से यहाँ से उतरेंगे और यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो कहीं ना कहीं जो आज बैठकें हैं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बैठकें होनी है, साथ ही प्रधानमंत्री से मोदी से भी कुछ चर्चाएं करनी है, क्योंकि आज ही परिणाम भी आने हैं उपराष्ट्रपति के, क्योंकि आज घोषणा हो जाएगी उपराष्ट्रपति की, क्योंकि 10 अगस्त को जो हमारे पूर्व मतलब अभी जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल खत्म होना है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर खास महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई है और कुछ महत्व बातों को लेकर चर्चा भी होगी। उसके बाद सीएम योगी यूपी सदन पहुंचेंगे, वहां पर वो अपने साथ कई लोगों से बातचीत भी करेंगे। जी, कितने दिन का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित किया गया है दिल्ली का, प्रवीण? देखिए, जो अभी बात निकल कर सामने आ रही है सूत्रों से बात करें तो बात की जाए तो अभी 2 दिन का बताया जा रहा है, क्योंकि आज वो आएंगे और सुबह कल भी कहीं ना कहीं बैठकों का दौर है, उसके बाद वो हो सकता है कि लखनऊ के लिए रवाना हो। जी बिल्कुल प्रवीण, अगर देखा जाए तो कार्य समिति की बैठक भी होनी है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भाजपा की होनी है, तो उस दौरान कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि कल ही आपने देखा था किस तरह से कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को लेकर जिस तरह पर एक ब्लैक फ्राइडे मनाया है, उसको लेकर भी खासतौर पर बातचीत होगी कि आखिर इस तरह से क्या, क्योंकि राम जन्म मंदिर का जो जिस तरह से शिलान्यास किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, तो एक तरह से जो भाजपा के लोग हैं या बात के सीएम योगी ने भी खुद इस चीज पे बोला कि जिस दिन राम जी का शिलान्यास हुआ उस दिन पर ब्लैक फ्राइडे मनाया गया, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति के तौर पर यह किया गया है, तो उन चीजों पर भी बात होगी कि आखिर इस तरह से जो कांग्रेस लगातार उनके ऊपर हावी हो रही है और कहीं ना कहीं महंगाई का एक मुद्दा उठा रही है, क्योंकि बात की जाए नेशनल हेराल्ड केस की तो उसको लेकर तिलमिलाई हुई है इस समय कांग्रेस, तो उसको लेकर खासतौर पे जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लोग सब सड़क पर उतर रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर जुड़कर हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ तमाम कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ आज शिरकत करेंगे। इनके साथ ही सभी जो भाजपा की जिन जिन प्रदेशों में सरकार है वहां के प्रधानमंत्री और वहां के माफी चाहूंगी वहां के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। खबर आगरा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और 3 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई बड़े मंत्री भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस शिविर का आयोजन 6 अगस्त से 8 अगस्त तक किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं की भागीदारी होगी। तो आज आगरा में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, भाजयुमो के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें
प्रदेश के कई बड़े मंत्री भी शिरकत करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि शिविर का आयोजन 6 अगस्त से 8 अगस्त तक किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी। जो युवा कार्यकर्ता है वो इस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। हम प्रत्येक साल प्रशिक्षण वर्ग करते हैं, जैसे कि 14 में किया हमारी 14 में सरकार, 17 में किया तो 19 में किया था, 22 में आप देखने वाले कि वहाँ हम कर रहे हैं प्रशिक्षण वर्ग, तो इसका हम आपको 24 में, क्योंकि आज युवाओं की बहुत बड़ी फौज है जो आता ही, और जो दलित विरोधी और दलित वंचित शोषित विरोधी जो लोग हैं उनको टकराने के लिए युवा खड़ा है, और युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा का वो युवा जो आज प्रशिक्षण लेकर जब जाएगा, तो हम निश्चित मानिए कि 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बनेंगे। आदरणीय वृक्षित अध्यक्ष मनीष गौतम जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होने जा रहा है, और यह कार्यक्रम आगरा में होने जा रहा है, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, और निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ आएंगे उनको प्रशिक्षित करने का जो कार्यक्रम किया गया है उन सभी को मैं आने पर शुभकामनाएं देता हूँ, और निश्चित ही आगरा में ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, इसके लिए मैं ऐतिहासिक कार्यक्रम कराने के लिए आदरणीय मनीष गौतम जी को धन्यवाद करता हूँ। भाजयुमो के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी। इस दौरान भाजपा के तमाम जो युवा कार्यकर्ता हैं वो इस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे संवाददाता जीशान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीशान, आज आगरा में भाजयुमो के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, तो कितने बजे का समय निर्धारित किया गया है जब इस शिविर की शुरुआत होगी, और इस शिविर में कौन कौन से दिग्गज नेता शिरकत करेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा संगठन की ओर से जिले में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के अनुसार आगरा में स्थित SNJ गोल्ड फार्म हाउस में 6 अगस्त से यानी आज से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की जा रही है। BGP के करीब 300 से अधिक पदाधिकारी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू है। प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन 3:15 से स्वतंत्र देव द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण वर्ग के द्वितीय सत्र में 4 बजे डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक पहुंचेंगे। प्रशिक्षण वर्ग के तृतीय सत्र में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा भी 7:15 पर चतुर्थ सत्र में शामिल होकर युवाओं में जोश भरेंगे। जी जीशान, अगर देखा जाए तो आगरा में इतने बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है, तो उसको लेकर कार्यकर्ताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, युवा मोर्चा का ये सम्मेलन है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में काफी उत्साह है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और अगर हम बात करें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी को लेकर, जैसे कि सभी जानते हैं, संबित पात्रा जो देश के राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो भी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, काफी उत्साहित हैं। आज से सभी कई दिन पहले से ये तैयारियां चल रही थी, आज पूर्ण रूप से तैयारियां हो चुकी हैं। कल डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक भी निरीक्षण करने पहुंचे थे आगरा, आज सभी पदाधिकारी और बड़े मंत्री आगरा में पहुंचेंगे। जी धन्यवाद जीशान, इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस